तो आप सभी एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज अब तक क्लियर आ पा रही है। ये सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, सर आ रहा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी BQ25601 IC डाटा शीट के ऊपर, और उसका हम जानेंगे GR, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ क्या होता है और कहां से इस आईसी में किसमें कितना वोल्टेज आता है और कितना GR आता है और कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो देखिए, हमारा पढ़ाने का जो मेथड है वो अदर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उन सभी से अलग है। हम ये चाहते हैं कि एक एनिमेशन को बनाने में समथिंग 2 से 3 दिन लगते ही हैं। हम ये इस वजह से बनाते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके समझ में बेटर आए और वो अच्छे से समझ सके कि हम पढ़ाते क्या है। इसमें जो बंदे हमारे फ्रेशर भी जुड़े होंगे, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमसे पहले भी क्लासेस ले चुके हैं, इसमें जो फ्रेशर भी जुड़े होंगे वो भी बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए, आप सभी लोग अपना अपना म्यूट लगा लीजिए, क्योंकि क्लास में आप डिस्टरबेंस मत करना। आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उस टाइम अनम्यूट कीजिएगा एंड बोलिएगा, ठीक है सर? ओके सर, ओके ओके, बिल्कुल। तो चलिए, आज हमारी जो ये BQ IC है, ये हमारी जो आईसी किस तरीके की दिखती है ये समझिए पहले। तो जो आज हम BQ25601 आईसी की डाटा शीट्स, GR, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ देखेंगे। इसमें हमें एक आईसी होती है जिसका नाम होता है, हर आईसी के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आईसी के ऊपर भी एक नंबर लिखा है जिसका नाम होता है BQ25601। और फिर हर एक आईसी में एक नोज कट पॉइंट होता है, जैसा कि इस आईसी में भी है, एक नोज कट पॉइंट होता है। उसके बाद अभी चलिए हम आपको पहले कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे भाई हैं वो फ्रेशर हैं, उनके लिए पहले मैं यह समझा दूं ये BQ25601 आईसी दिखता कैसा है और इसमें नोज कट पॉइंट क्यों होता है। तो आज आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए, चलिए पहले हम इसमें एक चीज सर्च करेंगे। हमारा ये जो BQ25601 आईसी है, हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे काम की भी है या नहीं है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कितने फोन्स में यूज की गई है आज तक, और इसमें कुछ ही मॉडल्स दिखेंगे, बट आपको मैं एक आइडिया बता दूंगा कि ये हमारी कितने फोन्स में यूज की गई है। चलिए अभी एक सेकेंड, ये थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है। चलिए, खुलने में टाइम ले रहा है, बट रेडमी Mi 1, मोटो के फोन्स में वीवो Y12, Y15, Y17, ओप्पो A15, इतने सारे फोन्स में और भी कई सारे फोन्स में यूज की गई है ये आईसी। एक यही स्पेसिफिक फोन्स नहीं है, और भी कई सारे फोन्स में ये आईसी यूज की गई है। और इस आईसी का जो शेप है वो किस तरीके से दिखता है ये आप देखिए। फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ MI में ये किस तरीके की आईसी दिखती है। तो MI में हम इसका इन आउट वोल्टेज खोलते हैं, तो इसमें आपको दिखेगा, और जिन को भी डाउट्स हों वो तुरंत अपना माइक को अनम्यूट करें और पूछें। चलिए, और ये वीडियो जिनको भी जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वीडियो कल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जिसका पूरा लिंक ग्रुप्स में आएगा, सभी ग्रुप्स में।
आज नेट तो पता नहीं क्या खा के आया है, बिल्कुल एकदम स्लो ही चल रहा है। चलिए इसको मैं एक बारी ऑफ करके खोलता हूँ। चलिए देखिए, इसके बारे में जो जानते हैं वो ठीक है, नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है बोर्नियो स्केमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन टूल। इसमें आपको स्केमेटिक डायग्राम और उसके हार्डवेयर सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब हार्डवेयर सॉल्यूशंस की किसको जरूरत है? जो ज्यादा ही फ्रेशर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। और बिना इस, मैं तो ये बोलता हूँ, बिना स्केमेटिक डायग्राम के कोई फोन बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट स्केमेटिक डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि किसी भी फोन में कहाँ पर कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, या फिर उसमें कौन सा ब्लॉक कहाँ पर दिया हुआ है, उसका क्लॉक किस कैपेसिटर पर आएगा या फिर किस रजिस्टर पर आएगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसके लिए हम देखना पड़ता है कि हमारा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बोर्नियो तो अभी काफी टाइम ले रहा है खुलने में। हो सकता है सर्वर इसका बिजी हो। एक बात कंफर्म कीजिए कि आपको मेरा वॉइस क्लियर आ पा रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। स्लो स्लो, तो इसका मतलब नेटवर्क का तो इशू है नहीं, बट सर्वर का ही है। तो जैसा कि हम इसको, चलिए आज इसको बिना स्कीमेटिक डायग्राम के ही देखते हैं क्या है ये। देखिए हमारे पास जो जो भी आईसियां होती हैं फोन में, उस आईसी के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, जैसा कि मैंने इसमें एक लिख दिया। उसके बाद आईसी के अंदर एक नोज कट पॉइंट होता है, एक गोल सा निशान बना रहता है जिसको हम बोलते हैं नोज कट पॉइंट। इसके जरिए क्या करते हैं, हमें आईसी की डायरेक्शन पता लगती है कि आईसी हमारी इस डायरेक्शन में लगी है, तो इसी डायरेक्शन में हमको बोर्ड में फिक्स करना है। और इसका एक और काम होता है, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक काम होता है कि हम इसकी बॉल, अगर ये बॉल वाली आईसी है तो इसकी बॉल गिन सकते हैं, और इस ये लेग वाली आईसी है तो इसकी लेग गिन सकते हैं। तो ये हमारी जो BQ25601 जो आईसी होती है, ये एक लेग वाली आईसी है और इसके अंदर 24 लेग हैं। तो चलिए हम फटाफट से वो बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारे 24 लेग हैं और ये हमारी 24 लेग आईसी। अब सबसे मेन बात आती है कि हम किसी आईसी की लेग कैसे गिन सकते हैं। पहला, आपने जैसे आपका एक क्वेश्चन उठना चाहिए आपके अंदर से कि सर आपने एक नंबर इसको दिया, एक नंबर आप इसको भी दे सकते हो,
एक नंबर आप इसको भी दे सकते हो, स्पेसिफिक इसी को क्यों दिया एक नंबर? किसी को ये सवाल आ रहा है? हाँ सर आ रहा है बिल्कुल। तो हमारी कोई भी आईसी सही, ताबिश जी आप इसका पेंसिल का अभी प्रयोग ना करें क्योंकि इससे क्लास में डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो देखिए अपना बॉर्नो भी खुल चुका है, इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक ओप्पो पिक्चर एकदम क्लियर दिखाई देगा, तो हम इसमें एक ओप्पो A15 या फिर A15S देख लेते हैं, A15, और इसमें हम जाएंगे डायरेक्ट। तो ये किस तरीके से दिखता है और क्या करता है इसका देखेंगे, इसको ओपन देते हैं, तब तक हम यहाँ पर अपनी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा नोज कट पॉइंट होता है ये बताता है कि हमको आईसी गिनना कैसे है। अगर लेग वाली आईसी होती है तो लेग वाली आईसी हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर बॉल वाली आईसी होती है तो उसको गिनते हैं हम क्लॉकवाइज। ये मैं आपको हमारी क्लासेस में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट ये हमारे पास लेग वाली आईसी है तो मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज बता देता हूं। आप अपने माइक पे म्यूट लगाइए जी, क्योंकि म्यूट नहीं लगाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, और आप अगर यूट्यूब पे भी ये वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे थे कि अभी हम जो आईसी पढ़ रहे हैं वो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से होता है, जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास एक, चलिए हम इसमें बनाते हैं घड़ी। तो घड़ी के अंदर हमारी जो सुई होती है वो कुछ इस तरीके से घूमती है, ये सुई है, तो ये हमारी किस तरीके से चलती है? एक तो तरीका इसका ये होता है कि ये हमारी चारों तरफ राउंड लगाती है इस तरीके से, और जब हमारी लेग वाली आईसी होती है तो ये किस तरीके से चलती है, तो ये चलती है इस तरीके से, ये इसका सर्किल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखाता हूं थोड़ा, ये अगर हमारी एंटी क्लॉक वाइज होती है तो ये हमारी इस तरीके से चलती है, एंटी क्लॉक इसको बोलते हैं हम, इस तरीके से ये सर्कल बनाएगी तो इसको हम एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम चलिए अभी देखते हैं इसमें हमें एंटी क्लॉक वाइज चलना है तो ये हम कैसे चलेंगे। तो इसका चलेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, हम 24 के 24 लेग आसानी से गिन लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास सपोज करिए कोई चार्जिंग फॉल्ट का फोन आता है, तो अगर ये BQ सीरीज की आईसी है तो चार्जिंग को फॉल्ट आया या फिर फोन डेड कंडीशन में आया, इसकी वजह से फोन डेड भी होता है, चार्जिंग का फॉल्ट भी आता है, और बैटरी टेम्परेचर का भी इशू आता है, और जो बैटरी आपकी 100% दिखाती है उसका भी इशू आता है, तो ये किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप सपोज करिए कि आपके पास एक फोन आया जो कि एक चार्जिंग कंडीशन में है, चार्जिंग की प्रॉब्लम में है, तो हम इसको आज बिना स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, बिल्कुल ही बिना स्कीमेटिक डायग्राम। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम इसमें चार्जर से 5 वोल्ट देंगे, चार्जर से जो हमारा सीसी जैक है उससे हम 5 वोल्ट देंगे, और ये 5 वोल्ट हमारा कुछ कैपेसिटर्स और डायोड से होकर डायरेक्ट आईसी में वीवस का वोल्टेज बनाएगा, और ये जो वीवस का वोल्टेज बनाएगा ये बनाएगा हमारा 5 वोल्ट, और इस पर जो जीआर आता है वो आता है 250 से 800। जिसको जीआर नहीं पता, जन किसी को भी, उनको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड रेजिस्टेंस। और मल्टीमीटर को अगर हमारे पास एक पीला वाला मल्टीमीटर, सभी लोग आप यूज करते होंगे जहां तक है,
और जो लोग एडवांस मल्टीमीटर यूज करते हैं उसमें एक मोड होता है डायोड मोड, और जो पीला वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं उनके लिए दिखा दूं मैं आपको, मोबाइल में देखिए, अब ये जो सभी लोग मल्टीमीटर यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके का है। क्या कोई रिपीट दीजिए सर, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट नहीं है तो उसको म्यूट लगाइए, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस होगा, अच्छा नहीं रहेगा सर। चलिए, तो अभी हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला मल्टीमीटर कौन कौन यूज कर रहे हैं अभी अपनी क्लास में जो भी हैं अभी? हाँ सर, काफी जी। और ये वाला जो एडवांस मल्टीमीटर्स है, डिजिटल मीटर्स है, ये वाला अभी कौन कौन यूज कर रहे हैं? जी सर, मैं भी यूज करता हूँ इसको। हाँ, मैं भी यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें एक एडवांस ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं हम डायोड मोड, इसका कभी आपने यूज किया है? जी सर, जी जी बिल्कुल। तो ये जो डायोड मोड होता है इसके लिए होता है, इसका हम जीआर पता कर सकते हैं। किसी भी चीज का हम अगर जीआर पता कर लेंगे तो उसमें हमें दो चीजें कंफर्म हो जाएंगी, एक तो कि हमारा ट्रैक प्रॉपरली कनेक्टेड है। जी सर, जो इसमें ये कर रहे हैं तो ये मत कीजिए, क्योंकि सर क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है, अदरवाइज आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। देखिए, तो ये जो है हमारा, इसमें 250 से और 800 तक जीआर आता है, और ये इसी फोन में नहीं, कोई भी फोन हो, और अगर आपकी बीबस की आप लाइन चेक कर रहे हो तो इसमें आपको 250 से 800 तक जीआर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ट्रैक ओके है। अगर आपको इसमें जीआर नहीं मिला तो आपका डायरेक्टली अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जीआर नहीं मिल रहा है भाई, कहीं ना कहीं से तो ट्रैक ओपन है। तो जीआर से काफी सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं। जीआर के बाद हम इस पर चेक कर सकते हैं वोल्टेज, तो ये वोल्टेज हमारी BQIC में डायरेक्टली इन दो पॉइंट्स पर आती है। अभी चलिए मैं आपको BQIC एक मदरबोर्ड के अंदर दिखाता हूं। तो ये हमारी BQIC है, और ये सेम वही IC है जो मैं आपको अभी तक बता रहा था। अब ये बताएं, आप में से मैं किसी एक से क्वेश्चन करूंगा, और जब तक क्लास एंड होगी मैं सभी से क्वेश्चन करूंगा, एक एक क्वेश्चन हर किसी से पूछूंगा। इसमें आप मेरे को ये बता दो, जो भी इस क्लास को ध्यान से देख रहे हैं, मैं अभी नाम देता हूं, अनुभव शुक्ला जी, आप बताएं कि इसमें कहीं पर आपको नोज कट पॉइंट दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है, लास्ट में डॉट पड़ा हुआ है वहां पे। बिल्कुल सर, आपके पास एक पेन बना आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके इस पे एक इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। सर बना हुआ थोड़ा बड़ा बन गया, ये वाला बता रहे हैं आप? डॉट है सर, ये वाला बता रहे हैं आप? जी नहीं सर, बिल्कुल ये हमारा नोज कट पॉइंट पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारा डायरेक्शन भी बताता है कि हमें आईसी को इसी नोज कट पॉइंट को देखकर लगानी है, कि आईसी का नोज कट पॉइंट यहीं पर हो। और एक चीज ये और बताता है कि हमारी ये लैग कितने लैग हैं, और पहला नंबर लैग कौन सा है, जिधर नोज कट पॉइंट होगा उधर से ही हम गिनती शुरू कर देंगे। तो इसमें नोज कट पॉइंट हमारा रहा ये हमारा नोज कट पॉइंट है, तो हमारा एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये हो गया, और इसी के हिसाब से 24 नंबर ये हो गया। तो हमारा जो बीवस का 5 वोल्ट आएगा वो एक और 24 नंबर पे आएगा। तो इस पे हम डायरेक्टली आके डायरेक्टली 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे, चलिए, आप काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से क्लास देख रहे हैं, मुझे एकदम महसूस हो रहा है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ अप्पू जी से। तो अप्पू जी, आप मेरे को जरा एक बात कंफर्म कीजिएगा, इसमें जो 5 वोल्ट, अगर हमारे पास कोई चार्जिंग सेक्शन का फोन आ रहा है तो इसमें 5 वोल्ट किस किस वाली पॉइंट पर इन होगा? 1 और 24 सर। बिल्कुल बिल्कुल सही।
कोई भी फोन हो, अगर उसमें BQ25600 एक आईसी लगा हुआ है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि स्पेसिफिक यही फोन है, कोई भी फोन हो अगर उसमें BQ25600 एक आईसी लगा हुआ है तो उसमें एक और 24 नंबर वाली पॉइंट चेक कीजिए, 5 वोल्ट मिल रहा है, समझ लो इन हो रहा है। देन उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। ये आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं आएगा। पर अगर आप सोचें कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूं तो उसमें वॉइस नहीं आएगा, तो आप इसके लिए एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिसको अच्छे से समझ के आप अपनी कॉपी पेन में ड्रॉ कीजिए, ताकि आपके पास कल को कोई फोन आए आप उसको इजीली समझ सकें। ये 5 वोल्ट इन होते ही हमारी आईसी में दूसरा वोल्टेज कौन सा बनता है तो उसको हम देख लेते हैं। दूसरा जो वोल्टेज बनता है वो होता है हमारा PMID। कोई भी आईसी हो चार्जिंग सेक्शन की, उसमें जो हमारा दूसरा वोल्टेज बनता है वो PMID का बनता है। और ये कितना वोल्टेज होता है ये आप समझिए। और इसके जो ट्रैक होता है उसमें सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा होता है, जो कि काफी ज्यादा कैपेसिटी को होता है, कम से कम 25 वोल्ट का। इसको मैं आपको स्कीमेटिक के भी थ्रू दिखाऊंगा। और इस पर जो हमारा GR आता है वो आता है 250 से 800, और जो वोल्टेजेस आते हैं वो आते हैं 5 वोल्ट। अब यही चीज मैं अगर आपको, ये तो आपके लिए एक डेमो क्लास है, अगर यही चीज मैं आपको क्लास में दिखाता तो आपको एक एक वोल्टेज चेक करके बताएंगे, देन उसके बाद सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स को एक सपोर्ट और होती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स से जो फोन्स नहीं बन पा रहे हैं तो वो हमसे 12 से 2 बजे तक क्लास की सपोर्ट ले सकते हैं, बैकअप सपोर्ट। और उसमें जो भी टेस्टेड फाइल्स होती हैं, फ्लैश फाइल जिनको फ्लैश रोम की जरूरत होती है, टेस्टेड फ्लैश रोम जो कि पेड वेबसाइट से हम अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो फोन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, आपके पास कोई फोन आया, आप उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप हमारी टीम से जुड़ गए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको सपोर्ट मिलेगी। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ये डिस्कस बाद में भी करेंगे। तो हमारा जो PMID, अगर हमारा ये 5 वोल्ट इन हो रहा है तो हमको सिंपली कुछ चेक नहीं करना, हम PMID पे जाएंगे 23 नंबर वाली पॉइंट पे और इस पर हम 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। तो जरा मेरे को आप में से कोई भी एक बताएं कि इसमें हमारा PMID किस नंबर वाली पॉइंट पर आएगा। मैं आप में से एक से सवाल करता हूं किसी से, बसीर जी जरा आप मेरे को बताएं कि इसमें हमारा जो PMID बनेगा वो किस नंबर वाली पॉइंट पे बनेगा। जहां पे सर भी बस है, चलिए कोई नहीं, जहां पे सर भी बस है सर। सर ये वीवस तो है सर, 23 का उधर है सर, 23 बिल्कुल 23 पर। सर ये जो वीवस तो है, आप एक बारी बसीर जी इसको ध्यान में दीजिए, जैसा कि ये वीवस तो है लेकिन इस पे 5 वोल्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है? ये PMID की लाइन है और ये IC जनरेट करती है। ये IC तब जनरेट करती है जब ये IC ओके होगी ना, तो यहां पर 5 वोल्ट जनरेट करेगी। तो PMID के अगर वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहे हैं तब आपका 5 वोल्ट इन जो एक नंबर और 24 नंबर पे हो रहा है तब ओके है, अदरवाइज ओके नहीं है। तो चलिए अभी आप में से जिन्होंने भी बताया कि हमारा 23 नंबर वाली पॉइंट पे बनेगा तो बिल्कुल ही सही बताया, क्योंकि ये हमारा इसमें 23 नंबर वाली पॉइंट कौन सी है, तो इसमें जो हमारी 23 नंबर वाली पॉइंट कैपेसिटर है सर, उसी के सामने, बिल्कुल ये कैपेसिटर के जस्ट सामने, ये हमारे 23 लेग है और इसको हम समझ सकते हैं। चलिए अभी आपको ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान में आ गया है तो आप बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। अभी मैं आपको इसी तरीके की एक सेम आईसी दूसरे मदरबोर्ड में आपको निकालता हूं, ताकि आपको हार्ड लगे और आप अच्छे से समझ पाए। बस मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस आप अच्छे से समझ जाएं, कल को आपके पास कोई भी फोन आए और आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन करें, बस कुछ नहीं चाहिए। चलिए अभी देखते सर, हैं इसमें मोटरोला का सेट निकाल दीजिए, मोटरोला का PDF। सर किसी का कोई डाउट है पूछिएगा।
चलिए किसी का नहीं है। तो अभी हम जो देखते हैं इसके बाद, अगर ये हमारा PMID ओके है, उसके बाद हमको मिलता है एक कमांड। और कमांड इसमें कौन सा वर्क करता है, इसमें जो कमांड वर्क करता है वो करता है हमारा I2C। I2C एक प्रोटोकॉल होता है, जो जानते हैं इसके बारे में उनको तो ठीक, जो नहीं जानते हैं उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, वरना इसकी एक क्लास होती है स्पेसिफिक। तो ये एक I2C प्रोटोकॉल होता है, ये इसी IC में नहीं बहुत सारी IC में यूज होता है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है ये कमांड देता है IC को। मेरे पास 2 दिन पहले एक फोन आया MI-Y1 BQ सीरीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस सिर्फ ICL का जो SCL का जो लाइन है, SCL को बोलते हैं हम सीरियल क्लॉक और SDA को बोलते हैं हम सीरियल डाटा, तो उसमें BQ IC चेंज था, फोन डेड हो गया। डेड क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्लॉक मिल ही नहीं रहा था, और किसी भी IC में अगर क्लॉक नहीं मिलेगा तो वो IC वर्क नहीं करेगी, और वर्क नहीं करेगी तो ये DC to DC IC है सिंपल सी, तो ये फोन ऑन भी नहीं करेगी, VPH ही नहीं बनाएगी। तो उसमें 5 वोल्ट इन तो हो रहा था, बट उसमें SDA की लाइन पर वोल्टेज आ रही थी, SCL पर नहीं आ रही थी। मैं बताऊंगा इस पे आपको कितनी वोल्टेज देखनी है। तो चलिए आप पहले ये दो समझिए, ये SCL और SDA, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। आप YouTube पे सर्च करना, इसको आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें 2 रजिस्टर का यूज होता है, जो होते हैं पुल अप रजिस्टर, आपने कभी नाम सुना होगा इसका, और इन दोनों की वैल्यू होती है 2.2 kΩ। इसको हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। उसके बाद ये जो रजिस्टर होते हैं इनमें 1.8 वोल्टेज जो वी रेगुलर LDO 5 से आती है, 1.8 वोल्टेज वो होती है इसमें इन। जैसे ही इसमें 1.8 वोल्टेज इन होती है और इसको CPU से मिलती है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस GR हम तीनों चीजें चेक कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं इसमें आपको क्या क्या कितना कितना है। सर प्लीज अपना माइक को म्यूट लगाइए। बशीर जी हाँ बोलिए, म्यूट लगाइए सर, डिस्टरबेंस हो रहा है। सर मेरे को एक डाउट है सर। बिल्कुल पूछिए सर। ये वोल्टेजेस बता के जा रहा है ना सर, ये स्टेप वाइज चेक करना है कैसा सर ये सब कुछ? अभी वी बस का 5 वोल्ट का बताया, उसके बाद PMI बताया VMID का जी, उसका बाद SCL का दिखाया और सीरियल डाटा का बता रहा है। ये वाला के सीरियल चेक करके जाना है कैसा सर? सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक कैसे चेक कर रहा है ये पूछना चाह रहे हैं आप? वो वाला नहीं है सर, अभी आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना। ये वाला ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप भी चेक करना है कैसा सर AIC को? स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही, पहले आपको VBUS चेक करना है, देन उसके बाद PMID चेक करना है। इसको मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको इसको IC में भी दिखाऊंगा ये किस तरीके से दिखता है और कौन सी नंबर लैग पे आता है और इस पर आपको कितना वोल्टेज डायरेक्टली चेक करना। कोई सिंपल सा फंडा है, आप जाओगे चेक करना, आपको पता लग जाएगा कि हमारी IC वर्क करेगी नहीं करेगी। ठीक है ओके सर बिल्कुल। चलिए तो इसमें जो आपका आता है 2.2 kΩ का रजिस्टर होता है, जिसमें जो एक पुल अप रजिस्टर होता है जिसके एक साइड से 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है इन दो पॉइंट्स पर हमको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब मेरे पास जो फोन आया था उसमें हमारा सीरियल क्लॉक जो SCL था उस पर 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा था। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन था कि हमारा ये रजिस्टर ओपन हो गया था और इसकी वैल्यू हो गई थी 1 MΩ, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, तो इसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो मैंने सिंपल क्या किया, एक 2.2 kΩ का रजिस्टर लिया, एक कोई महंगे फोन से भी नहीं निकाला, एक Jio के फोन से निकाला और इसमें लगाया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं इजीली ये समझिए। देखिए इस पर आपको जो 6 नंबर वाली लेग पे और 5 नंबर वाली लेग पे जो चेक करना है, आपको 250 से 800 GR चेक करना है। अगर आप GR चेक करना नहीं चाहते, छोड़िए GR को, वोल्टेज चेक कीजिए डायरेक्ट, चार्जर लगाइए, बैटरी को हटाइए, बैटरी को बिल्कुल ही हटा दीजिए। अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बिना बैटरी लगाए चेक करना है, बैटरी को बिल्कुल ही हटा दीजिए
और उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करना है, इस पर आपको पांच नंबर पे 1.8 आना चाहिए, छह नंबर पे भी 1.8 आना चाहिए। अगर इस पे नहीं आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको जाना है हमारा रजिस्टर देखना है कि हमारी पुलअप रजिस्टर कहाँ लगी हुई है। चलिए मैं आपको थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी बता दूं। अब जो हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशन होते हैं उनको देखिए जरा। अब ये जो हमारा बोर्नियो का सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या लाइंस दी होती है, तुक्का भेड़ तरीका है, ठीक हो गया तो सही, नहीं हुआ तो भी कोई देखो बस, खाली इनको जो देखते हैं वो गलती देखते हैं। इसमें बस एक लाइन दी होती है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, बस इसमें कुछ नहीं बताते, ना इसमें बूट कैपेसिटर बताते हैं कहाँ पर है, ना इसमें आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर स्विचिंग कहाँ पर होगी, सिस्टम वोल्टेज कहाँ पर बनेगा, वी वेट के वोल्टेज निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, इसमें कुछ नहीं बताता, ये सब हमको खुद ही। सर जस्ट लाइक अ बीट मैप है, समझ लीजिए, तो बीट मैप बता रहा है कहाँ से कहाँ सप्लाई जा रही है। सर आप दोबारा बोलिए, आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। सर मैंने ये बोला कि ये जस्ट सर बीट मैप के जैसा काम करता है कि कहां से कहां तक अपनी सप्लाई ट्रैक जो है वो जा रही है। बिल्कुल, ये एक बिट मैप के तरह ही काम करता है, सेम बोले आप, बस इसमें एक लाइन बना देते हैं जिसके जरिए हम लोगों को थोड़ा सहूलत मिल जाती है कि अरे वो हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलिए, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन दीजिए, उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन दीजिए, कुछ नहीं होता ये। अब देखिए इसमें क्या, हमारी 24 लैग की आईसी है, उसमें इन्होंने सिर्फ दो लैग ये 8 लैग का ही बस सर्किट बताया है। क्या इतना ही काम करता है? नहीं, इतना काम नहीं करता हमारा, हमें पूरा ही देखना पड़ता है। चलिए तो इसमें हमको इसमें नोज कट पॉइंट नहीं दिख पा रहा, आप देख पा रहे होंगे इसमें हमको नोज कट पॉइंट नहीं दिख पा रहा। अब हम इसका नोज कट पॉइंट पहचानेंगे जो हमारा वीवस इन होता है उसके जरिए। तो ये हमारा जो वीवस है यहां से इन हो रहा है और ये इस ट्रैक से होते हुए इन दो पॉइंट्स पर जा रहा है, तो हमारा नोज कट पॉइंट किस जगह पे होना चाहिए? आप में से कोई एक बताएंगे, राइट साइड कोई भी बता, किसी का नाम लेना है, चलिए कोई बात। यहाँ पर एक सेकंड में वहां पर डॉट लगाता हूँ, क्या यहाँ पर होना चाहिए? नीचे? नहीं सर, नीचे है, नीचे है, नीचे नीचे सर, यहाँ पर होना चाहिए, राइट साइड सर। अच्छा राइट साइड, यहाँ पर होना चाहिए। यस सर, जी सर, जी बिल्कुल सही सर। आप अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरा ये गला चीख गला फाड़ने का कुछ तो मतलब निकल रहा है, किसी के तो समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ और आपको समझ भी नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारी कौन सी नंबर वाली लेग होगी सर? 124। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 1 और 24 ये दोनों लेग हो गई, ये 1 और ये 24। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा 5 और 6 नंबर कौन सा हुआ, तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 6। तो ये तो हो गया हमारा SCL और ये हो गया हमारा SDA। इस पर हमको डायरेक्टली चार्जर लगाने के बाद बैटरी को हटा दीजिए और 1.8 वोल्टेज चेक कर लीजिए सिंपली। अगर तो आप इसको ट्रेस कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेस कैसे करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर फंसती है हम लोगों को कि हम ट्रेस करना नहीं जानते किसी भी प्रॉब्लम को, किसी को भी, कि हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको ट्रेस कैसे करें। चलिए इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सर लोग बोलते हैं ना, एक मिनट सर, मैं थोड़ा अभी यहाँ पे बोलना चाहूंगा। लोग बोलते हैं ना सर कि बोर्नियो ले लो या कहीं क्लास करके आ जाओ तो हो जाता है। एक्चुअल में अभी राइट इन्फॉर्मेशन आप ही दे रहे हो सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्नियो में भी ये जो डाटा क्लॉक जो भी है ना, इसका नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता, बस फाइल फाइंडिंग के लिए ड्राइवर मतलब सोल्यूशन दे देता है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ से यहाँ तक जम्पर करना है, बट इतना डिटेल में डीपली कोई नहीं बताता सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बराबर मैं सर। ये एक बहुत वो जंपर की जैसे सॉल्यूशन दिया गया है, बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं आपको एक ये चाहता हूँ कि आप समझें, कुछ नहीं चाहिए आपको, बस खाली एक आईसी समझ आ जाएगी मेरी डेमो क्लास के जरिए, मुझे बहुत खुशी होगी, आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा। अभी मैं आपको इसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। चलिए अब हम इसको हार्डवेयर सॉल्यूशन को रखते हैं एक साइड में और अब हम चलते हैं, ये होता है हमारा असली सॉल्यूशन, जिसके जरिए अगर एक अच्छा टेक्नीशियन है, हम एक खूब अच्छे टेक्नीशियन है, तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, लेआउट से पूरा समझ जाएंगे।
क्या बोले सर, लेआउट दोबारा बोलिएगा, समझ जाएंगे जी। लेआउट और स्कीमेटिक, इसमें सारा कुछ ये होता है और इन्हीं से हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। हमें यही बताता है कि हमारा एक्चुअल में कौन सी चीज कहां पर है और क्या होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज की डेमो क्लास में कुछ ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो इतना डीपली इसको ले रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। चलिए अब हम इसको बिल्कुल शुरू लेवल से स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा इसमें जो हमारा कि बीबस है कहां पर और इसकी चार्जिंग आईसी कहां पर है। चलिए हम ले लेते हैं, बिल्कुल न्यू है। अब हम क्या करेंगे, हमको बस इसका बी टू बी कनेक्टर देखना है कि हमारी 5 वोल्ट इन कहां होती है। तो हमारी 5 वोल्ट इस वाले कनेक्टर पे इन होती है, तो हम इसको कॉपी करेंगे डायरेक्ट। इसको कॉपी करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद हम इस पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम एक पेज पे पहुंचेंगे। तो अभी ये बहुत छोटा है, इसको यहीं से हम जूम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बी टू बी कनेक्टर बोलते हैं हम इसको। अब हमने इसमें, हाँ जी बोलिए, एक चीज और, यहाँ पे क्या है सर, ना बहुत न्यू होंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि उनको ये समझ में ना रहा हो क्योंकि आपने कहाँ से कॉपी किया, कहाँ से पेस्ट कर दिया। थोड़ा इस चीज को भी बताते चलिए कि लेआउट से हमने इस चीज को कॉपी किया और स्कीमेटिक में पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक आ गया ये, क्योंकि बोर्डियो तो है इनके पास, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से फाइंड आउट करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो आप फाइंड आउट करेंगे सर सही से बताए नहीं, तो थोड़ा इस चीज को भी थोड़ा लेते चलिए सर। ठीक है सर, तो चलिए अभी देखते हैं इसको। हमने ना लेआउट होता है, पूरा समझेंगे सर। बिल्कुल, जो भी फ्रेशर है उनके लिए भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी सर, जी जी, फ्रेशर के बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो हमारा लेआउट होता है, इस लेआउट में हमें देखना है, ये तो हम फोन में देख के समझ ही जाएंगे कि हमारा जो चार्जिंग किट का सर्किट है या हमारा जो जैक का सर्किट है वो कहाँ किस कनेक्टर पे जाएगा। तो हमें सिंपली ये लेआउट होता है हमारा मदरबोर्ड के जैसा दिखता है, नंबर लिखा रहता है, हाँ जी एक नंबर लिखा रहता है जिसको जैसे हम दर्शाते हैं, मतलब जैक, और मतलब जैक से हम पहचानते हैं। बिल्कुल, और इसको हम जब कॉपी करेंगे तो हमें माउस पे सिर्फ डबल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। उसके बाद ये हमारा स्कीमेटिक होता है, उसमें जाएंगे और इसमें हमें माउस का राइट क्लिक दबा के इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सर्च हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं देखना, हमें इसमें बस चार्जिंग कनेक्टर के पॉइंट्स देखना है। तो एक तो चार्जिंग कनेक्टर के ये दो पॉइंट्स होते हैं, डीपी और डीएम। इस पे हमें अभी गौर नहीं करना क्योंकि हम वीबस देखेंगे, वीबस कहां पर है। तो देखिए इसमें लिखा है वीबस यूएसबी इन, तो इसको या तो हम इसको डबल टिक करके कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से, वरना इस पे एक देखो एक उंगली सी बनी आ रही है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली USB वीबस इन पे ही पहुंचेंगे। तो अभी हमें कहां पहुंचे हैं, हम टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट पे आते हैं। ये एक टीपी पॉइंट होता है, जैसे कि एक टेस्ट पॉइंट होता है, एक गोल्डन कलर के दे रखे होते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गोल्डन कलर के पॉइंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्ट पॉइंट्स। तो अगर हम इसका टेस्ट पॉइंट देखना चाहें यूएसबी इनका, तो ये देखिए टेस्ट पॉइंट, ये हमारा यहाँ से ये नंबर है, तो इसको हम डबल क्लिक करके कॉपी करेंगे और इसको लेआउट में पेस्ट कर देंगे। तो इसको लेआउट में पेस्ट करेंगे तो ये हमारा बता देगा कहाँ पर है। तो देखिए ये वाला हमारा टेस्ट पॉइंट है जो कि हमें मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम किसी को भी टेस्ट पॉइंट आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अभी हम जो बीबस इन है इसको हम फिर से क्लिक करते हैं क्योंकि हमें जाना है हमारी डेस्टिनी पे। तो डेस्टिनी हमारी क्या होना चाहिए, हमारी जो आईसी है वही डेस्टिनी होना चाहिए, हमें पता है ये आईसी है। तो देखिए ये जो हमारा बीबस इन हो रहा है दो कैपेसिटर के जरिए हो रहा है और किस किस लेग पर हो रहा है, एक नंबर पे और 24 नंबर पे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर हमने कोई भी आईसी निकाल दी, सपोज करो हमने ये आईसी निकाल दी,
अगर हमने ये आईसी निकाल दी और हमें नहीं पता इसका नोज कट पॉइंट कहाँ है और हमने आईसी निकाल दी तो 5 वोल्ट भी नहीं बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली हाँ जी स्कीमेटिक में जाएंगे और जो हमारी चार्जिंग आईसी है उसका नंबर इन और आउट हम डबल क्लिक करके कॉपी करेंगे, देन उसके बाद इसको लेआउट में जाके पेस्ट कर देंगे। लेआउट में पेस्ट करने के बाद आपको एक चीज दिख रही होगी, इसके पास भी एक गोला बना हुआ होता है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका नोज कट पॉइंट यहाँ पर है। चलिए अभी आपको मैं नेक्स्ट चीज क्लियर करता हूँ। तो देखिए इसमें 1 और 24 नंबर पे हमारा वीवस 5 वोल्ट इन होता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक पीएमआईडी की लाइन जो निकलती है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा वीवस 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग है, तो इस पर हम इस कैपेसिटर पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं जो ग्राउंड होता है एक साइड से। और ये देखिए मैंने बताया था काफी ज्यादा वोल्ट का होता है, तो ये 25 वोल्ट का होता है। अब हाँ अभी तो आप इसमें देखिएगा बूट कैपेसिटर जब आप समझेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो बूट कैपेसिटर होता है आज तक हमने उसका नाम ही नहीं सुना था। ये जो चलिए जो वोल्ट दिया हुआ है सर, ये इसकी अब हमारा जो एसडीए और एससीएल है, अब हमारा मान लीजिए इसमें से कोई एक ट्रैक खराब है, जैसे कि मेरे को एससीएल का एक ट्रैक खराब था ओपन था, उसको मेरे को समझना था, तो क्लिक करता हूँ। मैं आपको बहुत डिटेल्स में समझा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए मोबाइल बनाना, ठीक है? तो इस पर हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चार्ज I2C SCL ये एक GPIO क्लॉक पे लेके आया है, और GPIO जो सेक्शन होता है जिसमें ज्यादा ही GPIO होते हैं तो वो हमारा CPU से आता है, ये आप समझिए। इसको बोलते हैं हम जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो जो हमारा हमें SCL का लाइन इस पे फिर से हमें क्लिक करना है, तो ये देखिए हमें एक पुल अप रजिस्टर के पास लाके छोड़ेगा, और ये जो रजिस्टर होता है ये पुल अप का काम करता है। ये देखिए इसकी वैल्यू होती है 2.2 किलो ओम, जिसको हाँ वी रेगुलर LDO 5 से 1.8 वोल्टेज आती है, आप पर भी वी रेज लिखा हो, वी रेगुलर बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म ये होती है, तो ये समझ लीजिए आप मेन पावर आईसी से इसकी वोल्टेज आ रही है, क्योंकि जो LDO V रेगुलर के बनते हैं वो सारे मेन पावर आईसी से बनते हैं। तो इस पर जब 1.8 वोल्टेज पुल अप होती है तो ये वोल्टेज इधर को आके I2C और SCL SDA में I2C SDA और SCL में जाती है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आप सभी अब फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे आसानी से। अब मान लीजिए मेरा कौन सा कैपेसिटर रजिस्टर खराब था, SCL का, या रजिस्टर की वैल्यू अप डाउन हो गई थी, तो मैं सिंपली इसको डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा कॉपी हो गया और इसमें मैंने जाके पेस्ट किया तो इस तरीके से पेस्ट हो गया और ये मुझे पता लग गया ये वाला रजिस्टर है। तो मैंने डायरेक्टली इस रजिस्टर को चेक किया तो 1.1 मेगा ओम इसकी वैल्यू निकली, 1 मेगा ओम वैल्यू थी, तो मैंने कहा 2.2 किलो ओम का है ये गलत दे रहा है, तो मैंने डायरेक्टली उठा के चेंज किया, फोन मेरा ऑन हो गया, डेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इतना ईजी हो जाता है हमारे लिए फोन मोबाइल बनाना अगर हमको प्रॉपर नॉलेज है तो। चलिए आई होप आपके I2C सर्किट आपको पूरा समझ आ गया होगा कि इस पर कितनी वोल्टेज आती है। जी चलिए अभी आपसे नेक्स्ट सवाल करेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि हमारे जो भी हैं तो उसमें कितना नॉलेज में बढ़ रहे हैं और कितना इजाफा हो रहा है नॉलेज में, देखते हैं। चलिए आपको इसमें नोज कट पॉइंट भी दिख रहा है, और आप में से मैं पूछता हूँ जिनसे भी वो ही बताएं, बस कृपया करके कोई और ना बताएं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी क्लास में जितने भी हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं। गोविंद सैनी जी आप बताएं जरा मुझे कि इसमें हमारा SCL और SDA किस किस वाली पॉइंट्स पे आएगा। गोविंद सैनी जी क्या आप नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए हरीश जी आप बताएं। क्या कर रहे हैं ये लोग, देख नहीं रहे सर, नेटवर्क में आता हूं। अब्दुल इरफान जी हाँ ऐसा हो सकता है।
जावेद सलाम जी आप बताएं, आप तो शायद पिछली क्लास में भी थे। हाँ थे ना, पांच और छह। तो आप इसको जरा एक बार बताएं। क्या हुआ सर, आवाज कर इधर तो दिखाई दे रहा है सर, इधर दिखाई दे रहा है। ये मतलब बीपीएच आवाज कट रहा है क्या सर? आवाज कट रहा है सर, हमारे पास आवाज नहीं आ रहा सर। बीपीएच सर आवाज कट रहा है। चलिए अब थोड़ा क्लियर आ रहा होगा। हाँ आ रहा है सर। आप सर सर उधर तो दिखाई दे रहा है, मतलब सेल जो लाइन आया है वो मतलब बीपीएच पावर की कैपेसिटर की बाजू में है, दो लाइन है उधर दिखाई दे रहा है। बस मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ चलिए अभी आप बताएं, क्योंकि अब आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आपके पास। आवाज क्लियर आ पा रही है? जी सर, जी जी बिल्कुल। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाली लाइन SCL और SDA की है? नहीं, रॉन्ग है वो तो। ये भी रॉन्ग है। ये वाली? वो भी रॉन्ग है। ये वाली? वो भी रॉन्ग है। अब सही पे चले जाओ। ठीक है ये। अच्छा, ठीक है बिल्कुल सही। ये वाला ठीक है। तो यही मैं आप सबको देखना चाहता था कि मैं अभी आपको पढ़ा के निकल जाऊं, जल्दी बल्दी में आऊं और पढ़ा के निकल जाऊं, तो मेरा मतलब ही क्या बनता है? अगर मैं भी अपना गला चीख के फाड़ के आपको समझा रहा हूं, तो आपके समझ में भी आना चाहिए, आपको उससे कुछ हेल्प भी होना चाहिए, तभी मेरा मतलब सही पढ़ाने का पर्पस सही है, तभी सही है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। जी सर जी। चलिए अभी इसमें हम देखते हैं, ये हमारी जो लाइन्स होती है उसके बाद हमारा क्या बनता है। जब ये दोनों कमांड मिल जाती है IC को, फिर हमारा क्या बनता है, तो ये हम आपको अभी दिखाते हैं। आज तक आपको यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, कोई आपको नहीं बताएगा कि इसके बाद इन वोल्टेज पे जाना है और इतना GR मिलेगा आपको। चलिए देखिए, उसके बाद हमारी बनती है सिस्टम वोल्टेज, और ये सिस्टम वोल्टेज कितनी बनती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये कुछ कैपेसिटर से होकर इस तरीके से ये फिर करती है स्विचिंग, यहां से स्विचिंग करती है ये सिस्टम वोल्टेज, और ये वोल्टेज बनाती है VPH। देखिए इसके बाद ये जो वोल्टेज होते हैं इनको बोलते हैं हम VPH वोल्टेज। आपने VPH वोल्टेज का नाम सुना है? आई होप सभी ने सुना होगा, बट किसी को ये नहीं पता होगा ये VPH वोल्टेज किस कमांड के बाद बनती है। ये जब हमारा ये कमांड मिल जाएगा उसके बाद ये VPH वोल्टेज बनेगी, और ये जो वोल्टेज होती है इसका वोल्ट होता है 3.1 से 4.2, और इस पर जो GR आता है 250 से 800 आता है, और ये हमारे सभी सेक्शन में पड़ता है ना सर? वो सेकेंडरी लाइन पर आता है क्या? इसी को सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल। अगर ये लाइन हमारी शॉर्ट होती है या इसमें हमारी लीकेज होती है इस लाइन में, तो हमारा बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट नहीं बताता, डीसी मशीन में लगाएंगे तो ऑटो एम्पियर। क्या सर? जीरो दिखाता है सर, रिवर्स में जीरो दिखाता है सर। अगर डीसी सप्लाई पे रीडिंग लगभग 300 से 400 एम्पियर के बीच में ऑटो एम्पियर अगर लेता है, तो फिर इसी का फॉल्ट हो सकता है क्या? इसका फॉल्ट हो सकता है, हो सकता है, और आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। मिनट और सेकंड का काम होता है, ये समझिए। ठीक है। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछना था, मतलब आज मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था ऐसे, मतलब डीसी पावर सप्लाई से मैंने जब कनेक्ट किया था तो बैटरी से ऑन हो रहा था, लेकिन डीसी पावर सप्लाई से ऑन नहीं हो रहा है। सर कुछ फोन ऐसे होते हैं, Redmi Note 7 Pro DC पावर सप्लाई से ऑन नहीं होगा? नहीं, वो Redmi 4X था। Redmi 4X था, तो आपके DC मशीन में कोई
जो आपकी डीसी पावर केबल है उसमें एक्चुअल होता क्या है ना, बूट केबल में ना जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं आईडी थर्मल के लिए, वो इश्यू करते हैं सेट को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है? वो सनशाइन में होता है, सनशाइन का सर कोई भी हो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर ऑन नहीं हुआ तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेडमी 4A तो मोस्टली ऑन हो ही जाता है, ठीक है सर? जी सर, जी जी। चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, तो ये हमारी, हाँ जी बोलिए। कुछ पूछना था किसी को? नहीं सर, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सर। तो ये जो हमारा VPH पावर सप्लाई जैसे ही बनता है, उसके बाद हमारा एक जो कैपेसिटर होता है, बहुत ही मोस्ट कैपेसिटर होता है पूरे फोन में, ये कैपेसिटर किसी ने भी हटा दिया, मामूली कैपेसिटर समझ के, बहुत छोटा होता है, अगर ये कैपेसिटर किसी ने भी मामूली कैपेसिटर समझ के हटा दिया, फोन ही ऑन नहीं होगा, बीपीएच ही नहीं बनेगा, क्योंकि बीपीएच बनेगा तो 2 वोल्ट बनेगा बस ओनली। ये देखिए इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं बूट कैपेसिटर, इसकी वजह से फोन डेड हो जाते हैं, अगर ये हमारा लीकेज हो तो फोन चार्ज नहीं होता, फेक चार्जिंग दिखाता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो इस बूट कैपेसिटर के जरिए आती है। चलिए अब ये वर्क कैसे करता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसका वर्क ये होता है, इसके एक साइड तो बीपीएच पावर सप्लाई आ रहा है, ये देखिए ये एक साइड बीपीएच पावर सप्लाई आ रहा है, और उसके बाद ये वोल्टेज को डबल कर देता है, अगर 4 वोल्ट हैं तो यहाँ पर 8 वोल्टेज दिखाएंगे और ये बूस्ट कर देगा। अब क्या करता है, हम यूट्यूब भी चला, कभी कभी हमें फोन चार्ज करना होता है, चार्ज करने के बाद हमें यूट्यूब भी चलाना है, उसी पे पबजी खेलना है, उसी पे हमें सारा कुछ उसी पे करना है, नेटफ्लिक सारा कुछ हमको उसी पे चलाना है। तो जब ये हमारा चार्जिंग का प्रोसेस चलता है तो उसके बाद ये बूट कैपेसिटर वर्क करता है हमारा। यहाँ पर ये 8 वोल्टेज होते हैं, तो 8 वोल्टेज हमारा सारे सेक्शन को वर्क कराता है और हमारी बैटरी को भी स्टोर कराता है, इसलिए इस बूट कैपेसिटर का यूज किया जाता है। और इस बूट कैपेसिटर के दोनों साइड वैल्यू आएगी, ये एकमात्र कैपेसिटर लगा होता है चार्जिंग आईसी सर्किट के पास जिसके दोनों साइड वैल्यू आएगी, और एक इस सेक्शन में लगा होता है, एक हमारा ऑडियो सेक्शन में लगा होता है, और हमारा नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी को निकालता है, ठीक है? अब दिखाता हूं मैं आपको ये बूट कैपेसिटर लगा कितना बड़ा होता है और कितना छोटा बड़ा होता है ये दिखने में। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा ये बूट कैपेसिटर कहां लगा होगा और किस सर्किट में किस साइड पे लगा होगा। सर वो तो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला बहुत छोटा सा कैपेसिटर होता है, इसके दोनों साइड वैल्यू आती है। हम इन सारे कैपेसिटर में अगर चेक करेंगे तो एक साइड ये सारे ग्राउंड होंगे, एक साइड से जरूर ग्राउंड होंगे, और ये कैपेसिटर हम आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट दिखाता हूँ। सर वो सीरीज में लगा रहता है क्या? हाँ सीरीज में, सर जब उसमें ग्राउंड नहीं है तो वो सीरीज ही है, ठीक है? जी, 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 अब देखिए ये जो इन्होंने ये सर्किट दिखाया है, ये बूट कैपेसिटर हटा हुआ है, ये यहाँ पर जो आपको खाली निशान दिख रहे हैं ये बूट कैपेसिटर हटा हुआ है। एक किसी महान मिस्त्री ने, हमारे जो मैकेनिक होते हैं, उन्होंने ये बूट कैपेसिटर हटा दिया और इस कॉइल को हटा दिया, फिर भाई साहब फोन ऑन करने की सोच रहे हैं, बताओ कैसे हो जाएगा? बस इसमें कुछ नहीं किया, एक ये बूट कैपेसिटर लगाया दूसरे सेक्शन से उठा के, सेम सेक्शन से, और ये कॉइल उठा के लगा दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फोन ऑन हो गया, कुछ नहीं। बस हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपोनेंट हमने अगर हटा दिया लेकिन तो हमारे फोन में प्रॉब्लम आएगी क्या? कैपेसिटर का वैल्यू भी होता है ना सर? क्या सर? कैपेसिटर का वैल्यू भी होता है ना? बिल्कुल, 120 पिको फैराड, नैनो फैराड, लेकिन इसका वैल्यू से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, बस खाली वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज प्रॉपर आना चाहिए, बस बात खत्म। क्योंकि अभी तक हमारे मोबाइल लाइन में इसका जो वैल्यू चेक करने के लिए हमको कोई प्रॉपर जरूरत पड़ती नहीं है, अब हमको टाइम वेस्ट करना है तो हम कहीं पर जाके करेंगे। सर तो इसके जगह पर कोई और भी लगा सकते हैं, कोई भी कैपेसिटर? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन इसी सेक्शन का बूट कैपेसिटर। सॉरी सर, हेलो, हाँ जी बोलिए। सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कुछ मुझे अर्जेंट काम को, ऐसे मैं आपको सर ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम, मैं आपसे कांटेक्ट जल्दी करता हूँ मैं आपसे। बहुत अच्छा लगा सर, कोई नहीं, जी जी कोई नहीं, आप जब भी
करिएगा। कल से हमारी क्लासेस स्टार्टेड हैं इसी टाइम पे, तो जिनको भी करना है तो आज अपना रजिस्ट्रेशन करा लें कंप्लीट, उसके बाद कल से क्लासेस होंगी जो भी। ओके सर। चलिए अभी हम समझते हैं कि हमने ये कैपेसिटर हमारा कितना बड़ा रोल है। आई होप आप सभी के समझ आ गया हो। यस सर, यस यस। हाँ, और ये किस वाली पॉइंट्स पे लगा होता है इसको भी देख लेते हैं। हमारा 8 वोल्ट किस नंबर वाली पॉइंट्स पर आएगा, और ये हम आपसे भी कंफर्म करेंगे बिल्कुल जस्ट अभी। ये हमारा 8 वोल्ट 21 नंबर वाली लेग पे हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम 21 नंबर वाली लेग आप में से किसी से पूछते हैं। चलिए इसमें आप जरा मुझे बताएं 21 नंबर वाली लेग कौन सी है। मैं भी आपको जरा ड्रॉ करके बताता हूं कि ये हमारी किस नंबर वाली लेग है। बोलिएगा सर क्या सर। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। हाँ, वही वही जहाँ पे सर आपका माउस का कर्सर गया। जी सर, ये वाला। वेरी गुड, यही हमारा 21 नंबर वाला पॉइंट है और इस पे हमें 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। कोई भी फोन हमारे पास डेड आता है या फिर चार्जिंग सेक्शन में आता है या फिर फेक चार्जिंग में आता है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम बीबस 5 वोल्ट चेक करेंगे, SCL SDA चेक करेंगे, देन उसके बाद हम अपना सिस्टम वोल्टेज चेक करेंगे। 3.7 से 4.2 आना चाहिए, 3.1 से 4.2, और उसके बाद हम बूट कैपेसिटर की 21 नंबर वाली लेग पे 8 वोल्ट चेक करेंगे प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल इतना ही काम करना है। और ये हमारा 21 नंबर वाली लेग पे 8 वोल्ट चेक करने के बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा जो बैटरी कनेक्टर लगा होता है उस पे हमारा वीवेट जाता है। इसको साथ साथ आप उतारते चलिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेस्ट लगे वो आप कीजिएगा। तो देखिए इसके एक साइड 3.1 से 4.2 वोल्टेज आता है, दूसरी साइड इसमें 8 वोल्टेज आते हैं। तो ये आप देख लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए एक साइड इतना वोल्टेज आता है, एक साइड इतना, और ये हमारा 21 नंबर वाली लेग पे आता है। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, उसके बाद इसमें हमारा क्या निकलता है। उसके बाद इसमें हमारा बी वेट की लाइन जाती है। अब इस बी वेट की लाइन का बहुत बड़ा राज बता के जाता हूं मैं आपको इस वीडियो में और इस क्लास में। ये जो हमारा BQ सर्किट होता है, इसमें हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे आप देख सकते हैं। जो लोग एक प्रोफेशनल रिपेयरिंग करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस पर आपको 3.1 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस पे ये फ्लक्चुएट करेगा, मतलब 3.1 आएगा, 4.2 आएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, मतलब 3 वोल्ट से 4 वोल्ट तक ये फ्लक्चुएट ही करता रहेगा, या फिर 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक ये फ्लक्चुएट ही करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और यहीं पर अगर यहाँ पर PMI IC होती, हमारा चार्जिंग सेक्शन एक आईसी से नहीं बना, इसमें कई सारी आईसी यूज होती है, PMI, PML, Qualcomm में सर। हाँ जी, Qualcomm में, Qualcomm में ये आईसी भी यूज होती है, बट हम कह सकते हैं PMI और PMI अगर इसमें आईसी होती यहाँ पर इस जगह पे, तो बैटरी कनेक्टर पे हमारा बैटरी निकालने के बाद अगर वोल्टेज चेक करते तो एक वोल्टेज नहीं आता, जीरो आता। और ऐसे कई सारे केसेस मेरे पास सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे भरे पड़े हैं, सर मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा, बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट ही नहीं आ रहा। भाई आप ये देखो, उसमें PMI सर्किट लगा है, और जब PMI सर्किट लगा होता है तो उसमें बैट ID और बैट थर्म की लाइन जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक आउटपुट नहीं बनेगा। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, बट मैं आपको बहुत बड़ी बात बता गया इसी वीडियो में। और चलिए देखिए, थर्मिस्टर का आता है। हाँ जी, क्या बोले आप? थर्मिस्टर बहुत जरूरी है सर, आईडी बिल्कुल। तो इसमें हमारा जरूरी नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट बैटरी लगाएंगे तो ये स्टेबल हो जाए, बट मैंने आपको अभी तक जितनी भी वोल्टेज चेक करने को बताई है ये आप बैटरी निकाल के आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए इस पर हमारा जो वीवेट है, इस पर 3.1 से 4.2 वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद, ये तो हमारा हो गया सारा चार्जिंग सर्किट, उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें एक लाइन जाती है जो CPU के लिए जाती है, INT interrupt। ये आईसी को इंटरप्ट कराती है, जैसे कि हम चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग हटाते हैं, चार्जिंग का वोल्टेज कितना है, ये सारा कुछ ये इंटरप्ट कराती है। और इस पर हमको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 वोल्ट,
और इस पर जो जीआर मिलेगा 250 से 1800 के बीच मिलेगा, चेक कर सकते हैं आप आराम से चार्जर लगा के इस पर वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसी से हमारी कीपैड पावर ऑन की सप्लाई निकलती है जो 12 नंबर वाली लेग से निकलती है। आपका कोई भी फोन हो अगर कीपैड जो हमारा पावर की पे वोल्टेज नहीं आ रही है, अगर बीक्यू सर्किट लगाए 12 नंबर वाली लेग से डायरेक्ट आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बन रहा है या नहीं। और इस पर हमारा जो जीआर आता है वो आता है 2500 से 1800 के बीच। देन उसके बाद हमारा इसमें 17 और 18 नंबर वाली पॉइंट्स ग्राउंड होती हैं, और उसके बाद इसमें हमारा एक रेगुलर नेगेटिव निकलता है जो कि हमारा प्रोटेक्शन करता है 5 वोल्ट को। जो 5 वोल्ट इसमें इन होता है उसको प्रोटेक्शन करता है और ये नन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करता है। देखिए 2 नंबर वाली लेग पे एक 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि इस तरीके से ये हमारा 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये इतना सर्किट, ये 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमारा इसमें जो भी नन फ्रीक्वेंसी होती है उसको ग्राउंड कर देता है और ये काफी सारी प्रोटेक्शन करता है हमारी, एक तरीके से बोलते हैं कचरा साफ करता है ये हमारी आईसी का। और उसके बाद हमें इसमें देखना है, उसके बाद हमारा यही ये जो हमारा ग्राउंड करके जो वोल्टेज कम होता है उसके बाद यही हमारा इसमें रेगुलर नेगेटिव में आता है, इस पर हमारा जो वोल्टेज आएगा 2.5 आएगा, 2.5 वोल्ट। देन उसके बाद इसमें हमारा हमें इसमें ये देखिए ये जो हमारा एक 3 नंबर पे आता है सिस्टम ओके, ये किसी आईसी में आता है और किसी आईसी में नहीं आता है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको पता लगेगा, आप चार्जर को हटा दीजिए, बैटरी को लगा दीजिए, ओनली बैटरी लगाओगे तो इस पर आपको 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा और इस पर आपको जो जीआर मिलेगा वो 250 से 800 देखने को मिलेगा। अगर 0.8 प्रॉपरली वर्किंग आ रहा है, ये आपको पता कब चलेगा कि आईसी हमारी नॉट कनेक्टेड है, ये हमारी पिन नॉट कनेक्टेड है या हमारी सिस्टम ओके की सप्लाई है। तो ये हम स्कीमेटिक डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें हमें अगर 0.8 वोल्टेज बैटरी लगाने पर और चार्जिंग हटा हुआ है मिल रहा है तो समझ लीजिए हमारी पूरी आईसी वर्किंग, और उसके बाद ये वोल्टेजेस तो हमको जरूरी चेक करना है SCL और SDA। उसके बाद इसमें हमारा 10 और 8 नंबर पिन NC होता है, 9 नंबर पिन GPIO का होता है, उसका कोई मेन रोल नहीं है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अभी आप सभी लोग बताओ आपके इसमें डाउट्स क्या क्या है। सर जो बूट कैप है तो दोनों जगह से क्या बोलते हैं वैल्यू देगा, तो दोनों जगह से वैल्यू देगा, दोनों जगह से ही वोल्टेज देगा, दोनों साइड से, एक साइड 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज आएगा और एक साइड वोल्टेज आएगा 8 वोल्ट। अदरवाइज बूट कैप वोल्टेज को बूस्ट करता है, है ना सर? हाँ जी बोलने दीजिए सर, बताएं आप। दोनों जी जी, इसका जो है इसी सेक्शन में लगा रहता है, अदरवाइज कोई और सेक्शन में नहीं लगता है? एक सेक्शन में और लगा होता है, वो आपको पता लग जाएगा आगे नेक्स्ट जैसे 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 आप क्लास लोगे आप समझोगे तो आपके लिए मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे सर ये बूट कैप ही है, अदरवाइज कोई और नहीं होता है दूसरा? हाँ आसानी से समझ सकते हो आप इसको। थैंक यू सर। सिस्टम ओके मतलब क्या है सर? पावर बूस्ट सिस्टम समझ में नहीं आया। सिस्टम ओके 3 नंबर वाली लेग पावर गुड 3 नंबर 3 नंबर वाली लेग के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। Okay. ये सिस्टम ओके ये होता है, ये आईसी का पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है और ये हमारा इसको 0.8 वोल्टेज निकलेगा। ये जो वोल्टेज होता है ये डायरेक्टली हमारा पावर आईसी में जाता है, ये हमारा डायरेक्टली मेन पावर में जाता है और ये इसको बताता है ये आईसी प्रॉपरली वर्किंग है। okay. आप इसको सारे वोल्टेज जनरेट कर दो और सारे एलडीओ जनरेट कर दो, बक वोल्टेज जनरेट कर दो, फोन ऑन हो जाएगा, इसलिए सिस्टम वोल्टेज होता है। पीसीस ओके पीएस होल्ड ये सारा कुछ आपको, आप क्लास लेंगे उसमें समझ आएगा। किसी को क्लास की डिटेल्स चाहिए तो आप बताएं मेरे को और मैं आपको बताता हूं हम क्लास में आपको क्या क्या बताएंगे। तो क्लास में आपको, हाँ जी बोलिए सर, लेकिन बैकअप कितना टाइम रहता है? टाइम हाँ बैकअप टाइम कितना रहता है? 6 महीना
एक साल के लाइफ टाइम। अच्छा बैकअप का सपोर्ट, सपोर्ट का टाइम रहता है वन ईयर। सर वन ईयर में भी हम आपको इतनी सपोर्ट कर देंगे आपको नेक्स्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हो जाएगा इतना नहीं ना। हाँ सर अपने क्लास के बारे में डिटेल बताइएगा, डिटेल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या सर, अपने क्लास के बारे में डिटेल बताइएगा सर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अच्छा जी के बारे में, क्लास के बारे में डिटेल्स जानना है आपको। देखिए ये हमारा जो कि एक दिवाली ऑफर था चल रहा है हमारा, इसमें जो हमारी फीस है वो है 5,999, जिसमें हम आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सारा कुछ सपोर्ट देंगे। देन उसके बाद जो हमारी टेस्टेड फ्लैश फाइल है उसका लिंक आपको तुरंत ही मिलेगा, कोई वेबसाइट खरीदने की जरूरत नहीं है, रिपेयर माय मोबाइल पे जाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसमें टेस्टेड फाइल ही मिलती है, किसी जीएसएम माफिया कोई भी वेबसाइट हो आपको जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप हमको मैसेज कीजिए। जस्ट ऑनलाइन होंगे तो जस्ट आपको फाइल मिलेगी, वरना 10 मिनट्स के अंदर तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये सारी टेस्टेड फाइल हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कोई भी सपोर्ट है आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको वीडियो ऐसे ही मीटिंग रखी जाती है हमारी 12 से 2 बजे तक की, उसमें आपका कोई डाउट्स है उसमें डाउट्स पूछिए। और आपसे अगर कोई भी फोन नहीं बन पा रहा है, कैसा भी फोन हो अगर नहीं बन पा रहा है, तो वो सारा कुछ आपको उसमें आपसे लाइव बनवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आप यहाँ पर चेक कीजिए, और उसको आपको समझाया जाएगा कि आपके पास ऐसा कोई फोन आता है तो आप डायरेक्टली ये चीज आप चेक कीजिएगा। हमारा मोस्टली फोकस इसमें डेट सेक्शन पे और हमारा नेटवर्क सेक्शन पे होगा, क्योंकि इन दो सेक्शन में हमारे जो भाई हैं बहुत फंसते हैं। और लाइट सेक्शन ये सब ये तो सारे आपके लिए हलवा हो जाएंगे, जैसे मैगी होती है ना तैयार हो जाती है काफी, 2 मिनट की बोलती है बट होती है 10 मिनट में तैयार है, बट हो जाएगी आपकी भी। आप बताएं आपको कोई डाउट्स किसी को, और जिन किसी को भी क्लास लेना है तो ये जो हमारा नंबर दे रखा है यहाँ पर, आप उस पर हमको इन दो में से किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं सर, अभी जो ड्राफ्ट दिया है वाली एपी ग्रुप में डाल दीजिए ना सर, इसका बराबर क्लियर आ नहीं रहा। क्या सर? अभी जो ड्रा की है ना सर, वो ड्राइंग इसका मैं जो हमने अभी आपको समझाया था वो समझ गया सर, लेकिन समझ गए लेकिन फिर भी सर उसका स्क्रीनशॉट बराबर निकला नहीं सर, सभी के ठीक है ठीक है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए ये हमारा नंबर है, इस पे आप फोन पे गूगल पे पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, इस पे आप 999 रुपए पे कीजिएगा एंड अपने आधार कार्ड का फोटो सेंड कीजिएगा, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास होगी कल 8:30 बजे से, और उसमें आपको सारी सपोर्ट्स मिलेंगी जैसा कि आप सपोर्ट्स चाहते हो, सभी कुछ आपको एक बैकअप सपोर्ट मिलेगा जिसमें आपका कम से कम 30 डेज का क्लास होगा, आपको सारा कुछ उसमें बताया जाएगा एकदम A to Z और सभी के लिए सारा कुछ सपोर्ट रहेगा। सर तो 30 दिन की क्लास में सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सारे सेक्शन, सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। 1 आवर की रहेगी क्लास की? क्या सर? क्लास टाइमिंग 1 आवर? नहीं सर, क्लास टाइमिंग जब तक आपके समझ नहीं आएगा 1 आवर से 1.5 आवर भी हो सकता है, और कभी कभी 2 आवर भी हो सकता है। ठीक है ठीक है सर। हाँ, इसका सर वीडियो भी मिलेगा क्या? सारा कुछ, हाँ आपको वीडियो ऑल क्लास बैकअप 4K वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी, स्टूडेंट्स के लिए लाइव सपोर्ट मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, अभी आपको किसी को कोई डाउट्स? नहीं सर, मुझे क्लियर है। क्लियर है सारा? हाँ जी सर जी। हाँ जी।